सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरा मानना नहीं, ये मूवी थ्री इडियट का डायलॉग है। तो गाइज इसी चीज़ को आज हमने टेस्ट करना है और देखना ये है कि ये वाकई सच में होता है से कि नहीं। तो गाइज होता क्या है कि जब रेंचू की रैगिंग हो रही होती है तो वो करता क्या है कि तार के एक साइड को सर्किट के अंदर कनेक्ट करता है और उसी तार की दूसरी साइड पर चम्मच कनेक्ट करता है। तो उसके सीनियर जो होते हैं वो उस पर उस चम्मच के ऊपर सुसु करते हैं, यानी कि जो पानी निकलता है उस पानी से बहुत ही तेज़ी से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है। तो यही चीज़ आज हम रियल में टेस्ट करेंगे कि वाकई में ये ऐसा होता है कि नहीं। गाइस ये मेरे पास बल्ब है, इसके साथ हमने दो तारें अटैच कर ली हैं। तो ये इसकी एक तार जो है ना, ये ब्लैक कलर की जो आ रही है पीछे से, वो हम सीधा अपने सर्किट के अंदर कनेक्ट कर लेंगे ऐसे। और जो इसकी ये दूसरी तार है ना, रेड तार, वो हम अपने इस चम्मच के ऊपर कनेक्ट करेंगे ऐसे। यहाँ पर हमने एक तार चम्मच के साथ हमने अटैच कर ली है। अब ये जो दूसरी है ना, इसको हम ग्लास के साथ हमने अटैच करना है। एक साइड इसकी जो एक साइड तो सर्किट के अंदर सीधा जाएगी और ये आई ग्लास के साथ ऐसे। सेफ्टी के लिए ऊपर थोड़ी सी टेप लगा देंगे ताकि सेफ्टी रहे यार। साल्ट वाला वाटर मैं सीधे ऐसे चम्मच के ऊपर डालूंगा तो वो तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर करंट आ रही होगी। तो गाइस सेफ्टी के लिए मैंने एक स्टिक ले ली है, इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जो भी दिखाएंगे हम, आपने ट्राई नहीं करना, ठीक है? आपने करना है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसके अंदर वाटर डाल लेते हैं ग्लास के अंदर। और एक से दो चम्मच इसके अंदर हमने साल्ट मिला लेने, एक और ये हो गए दो, और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये बन जाएगा साल्ट वाटर जो कि अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो गाइस सारा सेटअप लग चुका है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद सेटअप हमने लगा लिया। तो पानी भी रेडी है, सॉल्ट वाटर जो रेडी है। ये जो तार है हमने जो इस ग्लास के साथ अटैच किया, उसका उसकी दूसरी साइड हम सर्किट के साथ अटैच करेंगे और ये अटैच होगी। और फिर इस बांस की मदद से जो पानी है इसके अंदर सॉल्ट वाटर है, वो हम इस अपनी चम्मच के ऊपर गिराएंगे और फिर देखना बल्ब जलेगा। आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। देखे गाइस बल्ब जल रहा है। गाइस मैंने अपना ग्लास जो था जिसके अंदर सॉल्ट वाटर है वो तो मैंने लगाया तो बल्ब ऑन हुआ, लेकिन ये तो सिंपल बात है, ये तो कोई भी कर सकता है क्योंकि हमारे ग्लास के साथ वायर एक अटैच थी। तो अब इसके ऊपर सॉल्ट वाटर गिराएंगे और फिर देखेंगे कि बल्ब हमारा जलता है कि नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं, 3 2 1। ओ वाओ गाइस आपको दिखाई दे रहा हो कि नहीं? मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो। एक बार फिर मैं ट्राई करता हूँ। वाह वो देख सकते हैं बल्ब जल रहा है गाइस, है ना कमाल की चीज। वाकई में यार साल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाइस आपने रियल में तो देख लिया कि सॉल्ट वाटर इज़ अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नमक वाले पानी से हम सर्किट कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि सादे पानी से हम, इसके अंदर सॉल्ट नहीं है, ये बिल्कुल सादा पानी है, इसके साथ बल्ब जलता है कि नहीं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं। सर्किट गाइस पीछे से मैंने ऑन कर दिया। तो 3 2 1 ना भाई ना,
गाइस सच में सॉल्ट वाटर इज़ अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आज हमने प्रूव किया कि नॉर्मल वाटर और सॉल्ट वाटर में क्या फ़र्क है। और आपको भी पता चल गया कि सॉल्ट वाटर इज़ अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो सादा पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो आज हमने केमिस्ट्री को प्रूव किया और थ्री इडियट को भी प्रूव किया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है नीचे जो लाइक का बटन हो जल्दी से दबा दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, हम ऐसी मज़ेदार मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे, आपने उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।